हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय चैनल। और हम जो डिस्कस कर रहे थे वो था फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशंस में एक और पार्ट आता है, चाइल्ड के लिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं, डोज कैलकुलेशन फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए क्या क्या फॉर्मुलाज यूज होते हैं। अब आप सोचते होंगे कि चिल्ड्रन के लिए फॉर्मुलाज डिफरेंट क्यों है। तो चिल्ड्रन के लिए फॉर्मूलाज इसलिए डिफरेंट है क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनका बॉडी वेट अलग होता है, उनका सरफेस एरिया कम होता है, तो उस तरह से वो एडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। दूसरा, जब हम जेरियाट्रिक पेशेंट्स की बात करते हैं, ओल्ड पेशेंट की, तो उनको भी ऐसे ही मेजरमेंट करके कैलकुलेशन की जाती है। लेकिन स्पेशली इन द केस ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट ने अपने अपने डोज कैलकुलेशन दिए हुए हैं कि हम छोटा सा बच्चा है, हम उसको डायरेक्ट जाके मेडिसिन नहीं दे सकते हैं। किस तरह की मेडिसिन यूज़ होती है, जनरली आपने देखा भी होगा, या तो सीरप या ड्रॉप के, या फिर सस्पेंशन जनरली बच्चों को दिया जाता है, जो कि क्या होता है वो इजीली इंटेक कर पाते हैं और उनका जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो भी अच्छा होता है, तो वो उसका इफेक्ट भी आ जाता है कम डोज पे ही। तो हमेशा कैलकुलेशन जो होगी वो एडल्ट डोज पे ही बेसिस होगी, लेकिन कुछ साइंटिस्ट हैं यहाँ पे चार, तो उन्होंने कुछ अपने फॉर्मूलाज दिए हैं, तो उसको हम देखेंगे क्योंकि उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपके मेन एग्जाम में, जीपेट या फिर फार्मासिस्ट के एग्जाम में आते हैं। तो हम देखते हैं किस तरह के फॉर्मूलाज हैं। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं, अगर बच्चा छोटा है, 12 साल से नीचे है, ठीक है, बिलो 12 ईयर्स है, तो यंग फॉर्मूला यूज होता है वहां पे, यंग्स फॉर्मूला वहां पे यूज होगा। और यंग ने क्या बताया था कि जितनी भी एज है उसको लिखना है एज इन ईयर्स अपॉन, एज हो गई आपकी एज इन ईयर्स हो गया, अपॉन जो एज है आपकी एज प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज। यंग यानी छोटा, तो हमारा हो गया 12 साल से छोटा, तो 12 साल से 12 ईयर्स से बिलो अगर कोई कैलकुलेशन आपको दी जाती है, 5 साल का कोई बच्चा है उसकी कैलकुलेशन करनी है डोज कैलकुलेशन, तो हमें क्या करना पड़ेगा। एक और चीज, एडल्ट डोज तो आपको ध्यान में ही रखना है कि हमेशा मल्टीप्लाई में एडल्ट डोज आएगा, ऊपर और नीचे का ध्यान रखना है। तो अगर 12 साल से छोटा है तो क्या करेंगे, एज इन ईयर्स 5 यहाँ लिखेंगे, जैसे 5 साल का बच्चा है तो एज यहाँ लिखेंगे, तो ये हो गया 5 + 12 17 हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा आपका 5, ठीक है। तो ये यंग ने बताया, ठीक है, और ये बिलो 12 ईयर्स के लिए यूज होता है। अब हम बात करते हैं डीलिंग्स फॉर्मूला। तो डीलिंग ने क्या बताया, डीलिंग ने बताया कि अगर बच्चा 12 साल से लगा के 20 साल के बीच में है, ठीक है, तो जैसे 12 साल से अबाव आप बोल सकते हैं, ठीक है, तो 12 साल से अगर ज्यादा है, यानी 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो उसमें हम लिखेंगे एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज। ये हो गया आपका सिंपली, कुछ नहीं करना है। अगर बच्चा छोटा है 12 साल से तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, अगर ये क्या होगा आपका बड़ा है, किससे, 12 ईयर्स से बड़ा है, तो डीलिंग का फॉर्मूला आएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड फॉर्मूला का, जिसका नाम है फ्राइड्स फॉर्मूला। फ्राइड ने क्या बताया, अगर बच्चा मंथ्स में है, ठीक है, अगर उसकी एज मंथ्स में दी हुई है, तो यहाँ पे हम करेंगे एज इन मंथ्स डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको FDA पता है, आपको FDA एक अथॉरिटी होती है, तो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है FDY, यानी कि फ्राइड, डीलिंग और यंग्स फॉर्मूला। तो सबसे पहले यंग्स आएगा, फिर डीलिंग आएगा और फिर फ्राइड आएगा। यंग में 12 साल से छोटा है, एज इन ईयर्स अपॉन जो एज है उसको प्लस करना है 12 में, मल्टीप्लाई तो आएगा सब में, एडल्ट डोज को मल्टीप्लाई किया हुआ है। डीलिंग आएगा उसके बाद में, हमें यूं चलना है, डीलिंग आएगा तो क्या होगा, एज इन ईयर्स अपॉन 20 यानी 12 साल से बड़ा है बच्चा, मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज। और फ्राइड में क्या करेंगे, अगर हमें एज मंथ्स में दी हुई है, जैसे
हमें बोला है कि एज है बच्चे की 9 मंथ्स, तो 9 मंथ्स को आप यहाँ लिखोगे 9 upon 150 multiplied by adult dose. तो इस तरह से ये आपका फॉर्मूला हुआ कौन सा, एफ डी वाई। इसमें ट्रिक हुई आपकी एफ डी वाई, अगर एज की कैलकुलेशन दी हुई है तो आपका फॉर्मूला होगा फ्राई, डिलिंग और यंग। ठीक है, तो ये आपको ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर करना है। अब एक और आया था क्लार्क फॉर्मूला, क्लार्क्स फॉर्मूला। अगर आपको एज नहीं दी हुई है, आपको बॉडी वेट से कैलकुलेशन करनी है, आपको पता है कि बच्चे का बॉडी वेट और एडल्ट का बॉडी वेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो इसमें भी सिंपल है। आपको यहाँ हो जाएगा बॉडी वेट ऑफ चाइल्ड अपॉन 150 मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज। 150 दो जगह आया है आपका, एक आया है आपका मंथ्स वाली कैलकुलेशन में और एक आया है आपका बॉडी वेट वाली कैलकुलेशन में। ठीक है, तो आपको ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये किलोग्राम्स में होगा वेट। जैसे 10 किलो का कोई बच्चा है, उसकी कैलकुलेशन करनी है, डोज निकालो पैरासिटामोल की, तो क्या करेंगे, 10 किलोग्राम अपॉन 150 मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज, उसको एडल्ट डोज से मल्टीप्लाई करेंगे कि उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए एडल्ट डोज कितनी दी जा रही है, और 150 से उसको डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से फॉर्मूला आ गया, दो जगह 150 का यूज है। फर्दर रिपीट कर रही हूँ, जब आपको मंथ्स में कैलकुलेशन दी गई हो और बॉडी वेट के लिए कैलकुलेशन दी गई हो, तो ये आपका हो गया। अगर आपको बॉडी वेट दिया है, ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर सरफेस एरिया दिया है, बच्चे का सरफेस एरिया और एडल्ट का सरफेस एरिया डिफरेंट होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड अपॉन सरफेस एरिया ऑफ एडल्ट मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज। तो यहाँ पे रफली कैलकुलेशन करके एडल्ट डोज का निकाला हुआ है, तो ये लगभग होता है 1.73 मीटर स्क्वायर। कभी न्यूमेरिकल में दिया भी होता है, लेकिन आप याद कर ले तो बहुत ही ज्यादा बेटर है। तो सरफेस एरिया ऑफ एडल्ट कितना हो गया, 1.73 मीटर स्क्वायर, और आपको सरफेस एरिया दिया हुआ होगा चाइल्ड का और आपको एडल्ट डोज भी दी हुई होगी, तो आप ये इजिली कैलकुलेशन कर सकते हैं कि डोज की कैलकुलेशन कितनी होगी चाइल्ड के लिए। तो हमने आज कितने फॉर्मूलाज करे, हमने आज 5 फॉर्मूला किए। सबसे फर्स्ट अगर एज की कैलकुलेशन दी हुई है, तो मैंने आपको ट्रिक बता दी थी एफ डी वाई, एफ डी एस एफ डी वाई, ठीक है, यंग फॉर्मूला, डीलिंग फॉर्मूला, फ्राइड फॉर्मूला, ऐसे चलना है। अगर आपको एज दी हुई हो लेकिन वो 12 ईयर्स से छोटा बच्चा है, जैसे बोल रहा है वो 5 साल का, तो हमें वहाँ पे डायग्नोस करना है कि कैसे, सॉरी आइडेंटिफाई करना है हमको कि वहाँ पे 5 ईयर्स है वो 12 ईयर्स से बिलो है, तो हमको यंग का फॉर्मूला लगाना है। तो 5 upon 5 + 12 को प्लस करना है, मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज तो आएगी। डिलिंग की हम बात करें, तो डिलिंग के अंदर हम क्या करेंगे, अगर बच्चा 12 साल से ऊपर है, यानी कि 14 साल का कोई बच्चा है, तो 40 / 20 मल्टीप्लाई बाय एडल्ट डोज। फ्राइड की हम बात करें, अगर हमको बच्चे की एज मंथ्स में दी हुई हो, तो हम एज इन मंथ्स हो जाएगा अपॉन 150 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय एडल्ट हो जाएगा, तो ये आपको हो गया एज फैक्टर के अंदर। अब हम बात करें दूसरा, बॉडी वेट का मैंने डिस्कस किया, तो क्लार्क का जो फॉर्मूला था और ये जो फ्राइड का फॉर्मूला है, ये दोनों सेम है, ठीक है, क्यों, क्योंकि अपॉन 150 दोनों में करना है, एज इन मंथ्स आए तो भी अपॉन 150 करना है, बॉडी वेट दिया है किलोग्राम में तो भी 150 करना है। अब सरफेस एरिया की बात करते हैं थर्ड चीज, तो सरफेस एरिया अगर बच्चे का दिया है और एडल्ट डोज दी हुई है, तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको एडल्ट का सरफेस एरिया कैलकुलेटेड है, 1.73 मीटर स्क्वायर एक एडल्ट का सरफेस एरिया होता है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व भी कर सकते हो, आर्यन मेहता की बुक से, डिस्पेंसिंग फार्मेसी की बुक से, या बहुत सारी बुक से जिसमें ये मेन तो एफ डी
वाई और बॉडी वेट और ये सरफेस एरिया का ही फॉर्मूला है। तो इसी पे ही बेसिस आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं जीपेड में, फार्मासिस्ट में, नाइपर में। तो होता छोटा सा है लेकिन अगर हमको दिमाग में क्लिक नहीं आया उस टाइम पे तो हम इसे इजी से क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। तो जहाँ पे कंफ्यूजन होता है बस वही चीज़ ध्यान में रखनी है कि मंथ्स में कहाँ करना है और 12 साल से छोटे का कहाँ करना है, 12 इयर्स का, 12 इयर्स से अबव या 12 भी हो तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। और सरफेस एरिया दिया हुआ तो 1.73 मीटर स्क्वायर ध्यान में रखना है। और क्लार्क का फॉर्मूला और फ्राइड यानी मंथ्स वाला फॉर्मूला, बॉडी वेट वाला और मंथ्स वाला, तो वहाँ पे अपॉन 150 करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये वाली क्लास आपको कैसी लगी काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप